वाराणसी के बाबू के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे साथ उपाध्यक्ष जो है दी बनारसवार एसोसिएशन भी हैं। ये लोग जो है पैसा मृत अधिवक्ता के घर तक पहुँचाते हैं। ये 3.5 लाख रुपए जो है मृतक के परिवार वालों को मिलता है जो नामिनी है। तो हम इनके साथ हैं, आप इनको सुने और जो अधिवक्ता नहीं बनाए हैं वो अपने जीवन काल में इसे बनवा लें। सी सेंट्रल बार के बाबू हैं आप, क्या नाम है जरा बताइए? राजकुमार जी आप हैं जी, तो आप इस कमेटी के बाबू हैं जी। तो इसके फॉर्म भरने के लिए जो है अधिवक्ता को क्या करना पड़ेगा? सीओपी रहना आवश्यक है और दोनों बार में एक जगह लाइफ मेंबर और 2500 रुपए का फॉर्म। तो कितने अधिवक्ता आपको वेलफेयर कमेटी के सदस्य होंगे एट ए टाइम? 6000 के ऊपर हैं। और हमारे यहाँ जो सीओपी वाले मेंबर्स हैं वो कितने हजार हैं? वो तो लाइब्रेरी में देख के पता करना। अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि यहाँ 600 वेलफेयर कमेटी का बना हुआ सर्टिफिकेट है। इस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है? सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है, जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत है, सीओपी कार्ड लगाना पड़ता है और इसके बाद फॉर्म भरने के बाद उनको यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। उन्हीं लोगों को निर्गत किया जाएगा जो अधिवक्ता के रूप में बनारस कचहरी में कार्य करते हैं। मरने के बाद हम लोग तत्काल 20000 रुपया उनके दाह संस्कार के लिए घर पहुंचाते हैं और 3,30,000 रुपया उनको बाद में दे दिया जाता है। अगर आप इस वेलफेयर स्कीम का पूरी तरह से लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों में, हमारा अपील ये है कि आप लोग भी अपने जरिए से ये प्रचार करें, प्रसार करें कि लोग इस स्कीम से जुड़ें और जुड़ करके इस स्कीम का लाभ लें। उपाध्याय जी, कुछ अनुभव आप अपना बताइए कि आप कैसे इस अपील करने के लिए प्रेरित हुए? मैं आज ही रामसेवक सिंह जी जो सुसुआही में रहते हैं, मृतक हो गए हैं, उनके परिवार में 20000 रुपया आर्थिक सहायता पहुंचाने हेतु गए हुए थे बाहर के फोरम से और मैंने उनके लड़के श्री कृष्णकांत जी जो नामनी थे लायर्स वेलफेयर कमेटी में, नामनी उन्होंने बनाया था राम सेवक जी ने, उनको 20000 रुपया घर जा कर के पहुँचाया और दुख की घड़ी में उन्होंने काफ़ी सराहना किया हमारे बार का कि बार का यह कदम अधिवक्ता हित के लिए काफ़ी सराहनीय है। तो आप इससे प्रेरित होकर आप सभी लोगों को ये कहते हैं कि जो लोग भरे हैं और अपने सर्टिफिकेट को जो है जो आपके हाथ में है ऊपर दिखाएं, ये सर्टिफिकेट जो है वो बार में पड़ा हुआ है, उसको आके प्राप्त कर लें जी। काफ़ी तमाम अधिवक्ता भाइयों का ये लायर्स वेलफेयर कमेटी का जो ये सर्टिफिकेट है जो मेरे हाथ में है बन करके तैयार है और वो लेने के लिए नहीं आए हैं तो वो आकर के अपना प्राप्त कर लें, क्योंकि यह जब तक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा और सीओपी उनके पास नहीं है तब तक इस वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए। आज जब मुझे इसकी जानकारी हुई, मैं इसके पूर्व अनभिज्ञ था, वास्तविकता थी मैं भी नहीं जानता था क्योंकि इसके प्रति कोई प्रचार प्रसार लोगों के बीच में नहीं था और मैं करा भी नहीं पाया था। लेकिन जब आज मुझे इसका गुण दोष जब पता चला तो मुझे पता चला कि मैं अभी तक वंचित हूँ, मेरा दुर्भाग्य कहीं से। तो मैंने तत्काल निश्चय किया कि कल ही इस फार्म को मैं फिलअप करके यहाँ पर जमा करूँ। इस लायर्स वेलफेयर कमेटी के सदस्य हैं? अभी नहीं, अभी बने नहीं हम। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं, मर जाएंगे तब बनेंगे? नहीं, अब इसको बनना है।